अमरनाथ जी पे यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे यहाँ से दो महिलाएं गई थी। जैसा हम लोग जानते हैं वहाँ पे बड़ा दुखदायी घटना हुई है, बादल फटने की वजह से वहाँ पे कई लोगों की मौत हुई है। दिल्ली से अभी तक जितनी भी बॉडीज मिली हैं उनमें दिल्ली से दो ये महिलाएं थी। तो अभी उनके परिवार वालों से मैंने बातचीत की, गए तो अच्छे के लिए थे, तीर्थयात्रा सब लोग मन की शुद्धि के लिए और परमात्मा से अपनी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन किसको पता था कि ये वाली खबर आएगी। तो उनके परिवार के लोगों के साथ अभी मैंने दुख साझा किया और बहुत गरीब परिवार हैं दोनों, तो सरकार की तरफ से हम दोनों परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। और वो लोग कह रहे थे उनके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको हम इंश्योर करेंगे कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, किसी भी तरह की और भी कोई भी जरूरत होगी परिवार को, हम परिवार के साथ खड़े हैं। कोई ऐसा भी, क्योंकि अभी तक यहाँ दिल्ली में कोई कंट्रोल रूम स्थापित नहीं है, क्या दिल्ली के कुछ और लोग भी जाने की संभावना है? जैसे जैसे पता चलेगा, हम जो जो लोग भी इस हादसे में बाद में पता और भी पता चला, सबको हम ये 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराएंगे। आप आगे करेंगे कि देश भर के अंदर इस तरह के दुखद हादसे हुए हैं, अलग अलग स्टेट से वैरी करते हैं लोग। मैं समझ रहा हूँ केंद्र सरकार अपने लेवल पे कर ही रही है, वहाँ पे जितना भी रिलीफ वर्क है, तो हम सबको तो मिलके उनका सहयोग करना चाहिए केंद्र का इसमें। तो सर, दिल्ली के अंदर आप बिजली के ऊपर लगातार रिलीफ देते आए हैं, पीपीएसी बढ़ गया है, उसके ऊपर भी रिलीफ मिलेगा? जो जनता का रिलीफ है वो कायम रहेगा, जो फ्री बिजली जिसको मिल रही है फ्री बिजली मिलती रहेगी, 201 से 400 यूनिट तक की हाफ बिजली है वो हाफ में। तो ये जो भी हुआ होगा उसका असर जो है वो जनता पे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।